Continuing with our doubt session, we left yesterday at this question. What you have to do in this question is, सबसे पहले आपको क्या solve करना होता है? Bracket वाला ये part solve करना होता है, right? Just a minute. तो आप 6 1 by 4 को solve करेंगे तो what you will get? इसकी जगह आपको क्या मिलेगा? 25 by 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 प्लस 0.75 माइनस 0.3125, राइट? तो इन अब आपको क्या करना होता है, पहले मल्टीप्लाई करना होता है. तो आप मल्टीप्लाई किन दोनों, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट, आप इसको लिख सकते हैं 25 बाय 4 इनटू 25 by 100 plus 0.75 minus 0.3125. ऐसे लिख सकते हैं ना आप इसको. और हमें पता है 25 4 100 होता है, तो 25 by 16 ये हो जाएगा plus 0.75 minus 0.3125. इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 25 को आपको 16 से डिवाइड करना है, यू विल गेट 1.5625 प्लस 0.75 माइनस 0.3125. अब आपको क्या करनी है, एडिशन करनी है, तो आप इसमें 0.75 ऐड करेंगे. ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2.00. क्लियर है सबको? ये अक्षित मैम, आई डिडंट अंडरस्टैंड हाउ डू वी गेट हियर 25/4. बच्चे ये ऐसे है ना, 6 1/4 आपका 4 6 24 प्लस 1 25/4. मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. मैम, इट इज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. यस, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है. ओके मैम. ये शानवी मैम, हमें यहाँ से समझ नहीं आया जब आपने 25/100 को कट कराया. 25 4 100 होता है, तो 25 1 25, 4 4 16. अब समझ आ गया? यस मैम. ओके. यस आदर्श. मैम, हमको भी ये सेम डॉट समझ नहीं आया था. अब हो गया क्लियर? मैम, हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड मैम सिविक की मैम क्लास नहीं चलती. बच्चे मुझे नहीं पता, आई एम अबाउट मैथ्स, टॉक अबाउट मैथ्स होगी. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, what approximate value should come in place of the question mark? इस question mark की जगह पे क्या value आनी चाहिए? Question क्या है? Approximate value. Approximate means उसके आसपास. तो 6.595 को आप क्या लिख सकते हैं? Approximate 7 लिख सकते हैं, right? और इसको आप क्या लिख सकते हैं? Approximate 1100 लिख सकते हैं. Plus 2568 को आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2600 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? 1700. अप्रोक्सीमेशन सबको आता है राउंड ऑफ करना ना. राउंड ऑफ मैंने नंबर सिस्टम में बताया था आपको, हमने इसको राउंड ऑफ किया है. तो इट विल बी 7700 प्लस 2600 माइनस 1700. तो आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे यू विल गेट 10300 माइनस 1700. ओके, सो आप इसको 1000 लीजिए अप्रॉक्स. तो इट विल बी 7000 प्लस 2600. यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका?
9600 माइनस 1700, तो आप इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे देन यू विल गेट 16 माइनस 7 9 7900 अप्रोक्स. किसकी है ये? 8000 के आसपास है, तो इट इज 8000. ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर है सबको? यस उत्कर्ष. मैम आपका 2600 माइनस 1700 कहाँ से आया? बच्ची ये 2568 था. यस मैम. तो आप इसको 2600 लिख सकते हैं. उसके नियरेस्ट में करना है मैम. यस. आप इसको 1700 लिख सकते हैं, इसको 1000 और इसको 7. क्लियर है सबको? यस दक्ष. मैम yes. हम इसको उल्टा कर रहे क्या, या फिर मैम 6.595 का मैम यहाँ पर 600 होना चाहिए ना मैम? 600 कैसे बच्चे? 6.5, 6.5 का अप्रोक्स क्या होगा? 7 होगा. 700 कैसे होगा? यस सार्थक. मैम एक बार मैम 41 क्वेश्चन मैम दोबारा बता सकते हैं? बच्चे मैं एक्सप्लेन कर चुकी, आपने तब हैंड रेज नहीं किया था. नेक्स्ट. अ पॉट वाज 2/3 फुल विद मड. एक पॉट में कितनी मड है? 2/3 फुल है. अगर उसमें टोटल हम उसमें से, उसके बाद रमेश ने क्या किया, 18 स्कूप्स ऑफ मड को रिमूव कर दिया, तो हम मानते हैं कि उसमें अगर टोटल स्कूप्स कितने आते हैं, हम मान लेते हैं कि एक्स टोटल आते हैं उसमें. तो जब वो 2/3 फुल है तो उसमें कितने स्कूप्स होंगे? 2/3 एक्स होंगे. टोटल का 2/3 होगा वो. अब उसमें से क्या किया रमेश ने, 18 माइनस कर दिए तो माइनस 18 हो गया. और सुरेश ने क्या किया, 12 ऐड कर दिए तो 12 + 12 हो जाएगा. उसके बाद जब रमेश ने चेक किया तो पॉट कितना फुल था? 3/5 फुल था. तो ये कितना हो गया, इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी? 3/5 एक्स हो गया. तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. यहां से आप एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप एक्स वालों को एक साइड कंप्लीट कीजिए और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ. सो 2/3 एक्स माइनस 3/5 एक्स इज इक्वल टू 18 - 12 हो जाएगा. साइन चेंज हो जाते हैं जब हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं किसी भी नंबर को. 5 × 3 = 15 LCM, 3 × 5 = 15, तो 5 × 2x माइनस 5 × 3 = 15, तो 3 × 3x इज इक्वल टू 6. 10x - 9x, x होता है सिर्फ, बाय 15 इज इक्वल टू 6. तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 × 6, और वो क्या होता है, 90. तो टोटल कितने स्कूप्स आते हैं? 90 स्कूप्स आएंगे. सबको क्लियर है क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट बच्चे? यस उत्कर्ष. मैम स्कूप्स क्या होता है? स्कूप्स बच्चे जैसे आपके वो आइसक्रीम के स्कूप्स होते हैं ना, आइसक्रीम कोन के ऊपर जो आपको डाल के दे रहे हैं, वो स्कूप्स होते हैं. स्पून्स के लिए आप कुछ भी कह लीजिए उनको. यस नक्षत्र. मैम हमको समझ में नहीं आया. क्या नहीं समझ में आया आपको? मैम आपने कैसे करा? बच्चे टोटल अगर उसमें एक्स स्कूप्स आ रहे हैं, जब उसमें 2/3 वो फुल था तो उसमें स्कूप्स कितने होंगे? 2/3 एक्स होंगे. उसमें से 18 माइनस कर दिए, निकाल लिए, फिर उसमें 12 दोबारा से डाल दिए, तो उसके बाद वो ओवरऑल टोटल कितना हो गया? 3/5 फुल हो गया. तो दैट मींस उसमें 3/5 एक्स स्कूप होंगे. अब उसके बाद हमने उसको एक्स के लिए सॉल्व किया है. ये सक्षित. मैम वाई हेयर 5 × x - 3 × 3, वाई वी हैव नॉट टेकन 3 आल्सो? व्हिच 3 बच्चे?
मैम 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x व्हाई डायरेक्टली वी हैव क्रॉस मल्टीप्लाइड ऑफ 15 इनटू 6 बच्चे क्योंकि ये दोनों क्या थे प्राइम नंबर्स थे ना को प्राइम्स थे 5 एंड 3 तो जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर लेते हैं आपने क्रॉस मल्टीप्लाई देख लीजिए इसको या फिर आप 15 को 5 से डिवाइड करिए व्हाट यू विल गेट 3 एज आंसर 3 तो 3 को हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है यस मैम तो 3 को हमने 3x से मल्टीप्लाई किया ओके मैम यस निकुंज मैम आई डिडंट अंडरस्टैंड डाउनवर्ड ऑफ 2 upon 3x minus 3 upon 5x is equal to 18 minus 2. 18 minus 12. क्या नहीं समझ आया आपको इसमें? Mom, why there is a mom positive value, so mom, why we take it a mom negative value? किसकी 12 की? हम जब साइड चेंज करते हैं इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाते हैं तो हमारे साइंस चेंज हो जाते हैं उसके बाद हमने इनका इस वाले टर्म का ये जो है पोर्शन इसका हमने एलसीएम लिया है और वहां से ये वैल्यू हम एलसीएम लेके आ गई है सॉल्व करके x by 15 और इधर 18 माइनस 12 क्या होता है 6 होता है हमने दोनों साइड को अलग अलग सॉल्व किया है ओके मैम ये शिवम इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने राउंड ऑफ करा था यस राउंड ऑफ किया था ओके यस निखिल मैम हाउ डू वी गेट 5 इनटू 2x माइनस 3a 3 इनटू 3x अपॉन 15 एलसीएम लिया है फ्रैक्शन से डेसिमल चैप्टर करवाया था ना मैंने पहले यस मैम उसमें एलसीएम लेना सिखाया था यस मैम आई नो बट वी डिड गेट 5 इनटू 2x माइनस 3 इनटू 3x तो बच्चे 15 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा और जो भी डिवाइड करने पे मिलता है हम उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं यस मैम तो वही तो किया है यस आदर्श मैम हमको मैम 48 एंड मैम 49 वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया 49 अभी मैं 3 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या आपने सुना बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ एक्स एक्स की जगह पे क्या वैल्यू आनी चाहिए क्या वैल्यू आएगी 139 को अप्रोक्स करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 140 223 को अप्रोक्स करेंगे तो क्या आएगा डेसिमल हटाएंगे तो 224 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 तो व्हाट यू विल गेट हियर 4 ones are 4 5s are 20 4 6s are 24 व्हाट यू आर गेटिंग हियर इज 140 प्लस 56 इट इज 196 अप्रोक्स किसके है 195 के Is it clear, everybody? इस क्वेश्चन में किसको डाउट है Yes, पहल मैम कैन यू एक्सप्लेन वन मोर टाइम बच्चे हमें राउंड ऑफ करना आता है आपको नंबर्स को Yes, मैम तो हमने वही किया 139 किसके आसपास है 140 के प्लस 223.94 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो यू विल गेट 224 और 4.002 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो यू विल गेट 4 हेयर तो हमें पहले क्या करना होता है डिवीजन का ही साइन है ये वाला तो हमें पहले डिवाइड करना होता है इसलिए हमने डिवाइड किया तो हमें आंसर 56 मिल गया डिवाइड करके
और उसके बाद एडिशन ही बचा है तो हमने 140 को 56 में ऐड किया, वी गॉट 196। और वो किसके अप्रोक्सीमेट है, सबसे ज्यादा पास किसके है, 195 के, तो ऑप्शन डी आपका आंसर है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस निकुंज। Mom, if we take the approximate values of in later, why we take the approximate value of 196, ma'am? बच्चे हमने किया था, actually क्या होता है कि कभी हम लोग approximation करते हैं by hundreds, by tens, हम अलग अलग तरीके से approximation करते हैं, तो उसमें कुछ numbers का कई बार difference आ जाता है। Is it clear? तो आपको approximate ही बतानी है, तो हम इसमें approximate answer ले सकते हैं। Okay. Yes, शिवम। शिवम। मैम, 196 आ रहा है, मैम यहाँ पे ऑप्शन 195 है। अप्रोक्सीमेट आपको बोला गया है कि आसपास किसके वैल्यू आएगी। ओके मैम। यस नक्षत्र। मैम डेसिमल पॉइंट के बाद मैम 25 93 को क्या करना है? बच्चे हमने उसको खत्म करके इसको राउंड ऑफ कर दिया ना, तो आप देखिए अगर हम कैसे करते हैं राउंड ऑफ, तो आप इसको राउंड ऑफ इसका क्या लेंगे, 139 ले लीजिए, तो आपको 195 ही आ जाएगा आंसर, फिर आपको एप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस आदर्श। यस मैम, इसमें मैम आपका मैम एप्रोक्स मैम आपने जो मैम करा, फिर मैम 4.002 का मैम आपने क्या करा, 4 लिया उसको अप्रोक्स करके, एंड मैम उसका क्या करा था फिर आपने, डिवीजन किए 224 को 4 से डिवाइड किया तो हमें 56 मिल गया, डिवीजन का साइन था ना दोनों के बीच में। मैम 49 एंड 48 समझा दीजिए। यस हर्ष। Your voice is not audible, बच्चे। मैम मेरी क्लास अभी ज्वाइन हुई है, आपने अभी तक क्या करवा दी है मैम वो आप वापस बता दीजिए, और मैम मेरी अटेंडेंस लगा दीजिए। बच्चे आप रिकॉर्डिंग चेक कीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चंस दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आई एम सॉरी। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग देखिएगा, डाउट सेशन हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का कम्प्लीट हो गया, अब वो मेरी अटेंडेंस लगाती हूँ। ओके। यस दक्ष। मैम मुझे वो आपने जो अभी स्लाइड दिखाई थी ना, उसमें ये डाउट था कि 223 का अप्रोक्स 224 कैसे हो गया मैम? बच्चे हम अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, जब नेक्स्ट नंबर 5 से ग्रेटर होता है तो हम 1 ऐड कर देते हैं प्रीवियस नंबर में और उन नंबर्स को 0 कर देते हैं, तो 5 से बड़ा है 9 तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 3 में 1 ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी 224 और यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेशन क्या होगी आपकी 139, बिकॉज ये 5 से छोटा है 2, तो आंसर विल बी 139। अब आपका आंसर 195 आ रहा है अप्रोक्स। 49th क्वेश्चन था, एक पॉट में 2/3 फुल है वो मड से, रमेश ने उसमें से 12 स्कूप्स निकाले और सुरेश ने उसमें 12 ऐड कर दिए। ओके, अगर हम नंबर ऑफ स्कूप्स टोटल एक्स ले रहे हैं तो जब वो 2/3 फुल है तो वो कितना होगा, 2/3 x होगा, जब उसमें से 18 निकाल लिए गए तो हम उसमें से -18 स्कूप्स कर देंगे, 12 डाले हैं तो +12 स्कूप्स हो जाएगा इक्वल टू, आपको बोला गया है कि उसके बाद जब रमेश ने चेक किया तो वो कितना फुल था, 3/5 फुल था, तो इक्वल टू 3/5 x आ जाएगा। यस आदर्श।
मैम आपका कैमरा शो नहीं हो रहा है। हर्ष इज इट विजिबल? यस मैम विजिबल। आपके नेटवर्क में इश्यू है। मैम आ गया। तो उसके बाद अब इसको जब सॉल्व करेंगे, अब वेरिएबल पार्ट एक साइड पे कर लेते हैं और कांस्टेंट पार्ट दूसरी साइड पे, और जब आप साइड चेंज करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो हमारे साइंस चेंज हो जाते हैं। इसलिए प्लस 355 का माइनस 3/5 हो गया, माइनस 18 प्लस 18 में चेंज हो गया, और प्लस 12 माइनस 12 में चेंज हो गया। 18 माइनस 12 क्या होता है? 6 होता है, और इसको आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15 6 90 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो नाउ योर डाउट सेशन इज ओवर। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।